पूरा चौपता है ये, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली तुंगनाथ की ट्रैकिंग के गेट पे। यहाँ पे सामने गेट है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस हम यहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, दो घंटे जाने हैं, 2 घंटे आने में लगेंगे। ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये हमारे पहाड़ नहीं है, ये है हमारे भोलेनाथ। लुक एट दिस इज हेवन गाइस। ये है हमारे महादेव, यहाँ पे है हमारे महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे नज़ारे देखिए आप, मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था आपको, इतनी अच्छी वाटरफॉल है ये। तो बस अब सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया है। आप देखोगे मैंने ऋषिकेश से जर्नी स्टार्ट की थी, आपने जर्नी देखा लास्ट वाला व्लॉग देखिए हमारा, कितनी अच्छी जर्नी थी, नज़ारे कितने अच्छे थे। 30 किलोमीटर रह गए, 1 घंटे का रास्ता है, और वहाँ चलते हैं, फिर आपको तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग दिखाएंगे पूरी, मज़ा आने वाला है बहुत, बने रहे। चलिए दोस्तों, अभी एक और जगह आया है, मैं एक और वाटरफॉल दिखाने हैं आपको। ये देखिए क्या मस्त वाटर पानी गिर रहा है ऊपर से, अब प्यारा लग रहा है। देखिए रहे कितना अच्छा वाटरफॉल है, मज़ा आ रहा होगा आपको भी ना। ऐसे ऐसे वाटरफॉल बहुत मिल रहे हैं छोटे छोटे, और मज़ा आ रहा है बहुत। आधा घंटे के आसपास रह गया है, और यहाँ के नज़ारे बढ़िया होते जा रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया नज़ारे हो गए, हमारे दोस्त आ गए। हेलो, बाय बाय। ये लोग तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, पता है मालदाल पार्टी तुम ही हो। गाइस देखिए क्या बढ़िया झरना है यार ये, वाओ कितना ऑसम लग रहा है। इतना क्या नज़ारे ऊपर से, एक वाटरफॉल, मज़ा ही आ गया। यहाँ तो अब चोपटा पहुँचने वाले हैं, सीनिक व्यू होने वाले हैं, अब देखते चलिए, बस बने रहे वीडियो में। छोटा सा ब्रेक लिया है, लंच ब्रेक। एक्चुअली हम खाना पैक करवा के लेके आ रखे थे घर से, फ्राइड राइस लेके आ रखे हैं और पनीर की सब्ज़ी लेके आ रखे हैं। तो हमने यहाँ सोचा यहाँ पे थोड़ा सा झरना सा भी है, यहाँ बैठ कर आराम से हमने गाड़ी यहाँ लगा दी है। और कितना डेंस फॉरेस्ट है आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, और कितना प्यारा लग रहा है नेचर। तब यहाँ पे हम थोड़ा लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से 20 मिनट का रास्ता रह गया है, चल के फटाफट ट्रैकिंग करेंगे, उससे ये भी होगा हमारा खाना पच भी जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। पूरा चौपता है ये, ऐसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इंडिया का स्विट्जरलैंड। तब प्यारा लग रहा है, सामने कुछ हट्स वगैरह बने हुए हैं, और बारिश शुरू हो गई है इस टाइम, और इसी बारिश में हमें ट्रैकिंग वगैरह भी करनी है। अभी देखते कैसे करेंगे ट्रैकिंग, बस पहुंचने वाले हैं। चलिए पहुंच गए फाइनली तुंगनाथ की ट्रैकिंग के गेट पे। यहाँ पे सामने गेट है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जैकेट वगैरह पहन ली। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब देख रहे होंगे कितनी तेज़ भयानक बारिश पड़ रही है। अभी देखते हैं, थोड़ा रेनकोट वगैरह लेते हैं, अगर यहाँ पे मिलते हैं तो रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि इतनी बारिश में तो हम अच्छे से नहा जाएंगे। चलिए फटाफट तैयारी करते हैं चलने की। फाइनली गेट है, यहाँ से अभी हमें ऊपर ट्रैकिंग शुरू करनी है। गाइस हम यहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, दो घंटे जाने हैं, 2 घंटे आने में लगेंगे। ये सामने गेट है मेन, और कुछ इस तरह हमने रेनकोट से ले लिए है। इसकी कीमत 100 रुपये है एक आदमी की, एक कोट की 100 रुपये की कीमत है। देखिए गाइस चल के आ रहे हैं, बादल जैसे गरज रहे हैं, हालत ख़राब हो गई है। अभी तो स्टार्ट ही किया है, 100 मीटर भी नहीं किए होंगे अभी तो बहुत सारा करना है। तो बारिश नहीं पड़ रही है, बारिश में करना और मुसीबत है, बहुत मुश्किल है बारिश में। ठंड लग रहा है, हाथ एकदम सुन हो गया है, इतनी ठंड हो रही है। गाइस नज़ारे देखिए,
ये असली चोपता काजल की बस हो चुकी है वहीं पे। जल्दी चलो, हमें बहुत जल्दी करना है। देखा गाइस बादल कैसे गरज रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है। अभी हम आधे रास्ते भी नहीं आए, जादू की एक्टिंग कर रहे हैं, जादू की। अभी तो काफ़ी दूर है, अभी तो आधा भी नहीं आया हम, तो बहुत टाइम लगने वाला है। और चढ़ाई देखो आप, कुछ ऐसी चढ़ाई है, खतरनाक चढ़ाई। देखिए कितनी अच्छी ग्रीन फील्ड्स है यहाँ पे, एकदम मज़ेदार, ऐसा लग रहा कश्मीर में आ गए, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त ग्रीन फील्ड्स। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इन लोगों की हालत हो गई है बस, ये पेड़ भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। शॉर्टकट ले लिया सीधा ऊपर का, सिर्फ पत्थरों में चल के जाना पड़ रहा है। हालत ख़राब हो गई है, सांस फूल फूल के, इसने यहाँ जा रही आगे आगे। क्या मस्त नज़ारे यहाँ से, ये यहाँ से वंदना आ रही सामने, ये स्नेहा है। बाकी ऊपर ऊपर से चढ़ के वो पहुँच गए ऊपर, हम पीछे रह गए हैं, चले चलते। तो देखिए अभी इतनी ऊपर और जा रहा है, मैं देखो कितनी ऊंचाई पर जा रहा हूँ, वो लोग चल रहे सामने। अभी से सोच के चक्कर आ रहे हैं, महंगे इतनी ऊपर कैसे जाएंगे, बहुत ही ऊपर है, पता नहीं कितने स्टेप्स ऊपर जाना है। देख ही रहोगे आप यहाँ से चढ़ के ऊपर, वो ऊपर देख रहे होंगे आप, एक खतरनाक चढ़ाई है। क्या ही मज़ेदार व्यू है, ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, कितना मज़ेदार व्यू है। और नीचे ग्रीन पार्क्स तो लगी, ऊपर का चेन दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो कितनी ऊपर चढ़ के जाना है अभी हमें। फाइनली गाइस पहली झलक दिखी है हमें मंदिर की, जो वाइट वाला देख रहे होंगे सामने बिल्डिंग, वहाँ तक जाना है हमें। ये फाइनल ट्रैक है हमारा, आखिरी चढ़ाई जो सीधी वहीं जा रही है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। दोस्तों देखिए क्या मस्त नज़ारा है, बादल कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम सब कुछ ढक दिया है, इतना औसम नज़ारा है। सबकी बस हो गई है, बस थोड़ा सा रह गया है, इतना बढ़िया लग रहा नज़ारा। लुक एट दिस, यहाँ देखिए कितनी खतरनाक खाई है, नीचे देखने में डर लग रहा है, और हम वहाँ से आए हैं नीचे एकदम, देख रहे हैं आप सामने, फिर नीचे से ऊपर आए हम, और ऊपर जाना है, अलग अलग डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। पीछे सामने का नज़ारा देखिए आप, तो खतरनाक लग रहा है, क्या कितने सारे कौवे भी उड़ रहे हैं। ये सूजल देखो कहाँ जाने पे लगा हुआ है, देख रहे कितने सारे कौवे उड़ रहे हैं गाइस, और सामने सब ढक चुका है बादल से। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये हमारे इस पहाड़ नहीं है, ये है हमारे भोलेनाथ की तस्वीर, देख रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए, इसमें पूरा चित्र बना है। नीचे जो जा रही है, नीचे तक जटाएँ जा रही है, इसमें ऊपर नाक ने है, नीचे मुंह है, आंखें हैं, बीच में आईब्रोज वगैरह सब है, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। लुक एट दिस, दिस इज हेवन। और सामने आपको दिख रहा है, सामने बर्फ़ के पहाड़ देख रहे होंगे आप, दिखने शुरू हो गए हैं, केदारनाथ की चोटियाँ हैं सारी। वाओ गाइस वाओ, ऐसा नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा देखने को, इतना प्यारा नज़ारा है। देख रहे हैं गाइस क्या मस्त नज़ारा है सामने, ये स्नेहा इतनी खुश हो गई, इससे आवाज़ नहीं निकल रही इसके मुँह से, क्या नज़ारा है। ये बहुत मुश्किल से देखने को मिला है, अभी इतना बादल कवर थे, ये लकीली हमें मिल गया है देखने को, बहुत ऑसम प्लेस है, बहुत इतना मस्त नज़ारा है, लकीली हमें देखने को मिल गया है, इतना प्यारा लग रहा है, मज़ेदार मस्त व्यू है, मस्त। देखिए फर्स्ट लुक ऑफ तुंगनाथ महादेव मंदिर की, जो आप सामने देख रहे होंगे, ये है मेन मंदिर यहाँ का, इतना खूबसूरत लग रहा है, बस हम पहुँच ही गए हैं लगभग, हाँ जाके दर्शन करते हैं, इतना प्यारा है। आखिरकार हमारी मेहनत सफल हो गई है, हम पहुँच गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, ऐसा लग रहा है बस
सारी थकान ख़त्म होने वाली है। अब वो सामने एंट्रेंस में मुझे वहाँ से गेट दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे वो सामने गेट है, वहाँ से अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आराम से थोड़ा बैठेंगे। हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, ऐसे नहीं कहते इसे क्योंकि चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन है। सांस फूल रखे हैं इस टाइम, मज़ा आ गया, हमने हाईएस्ट शिवा टेम्पल की ट्रैकिंग भी कंप्लीट कर ली है। बहुत सुकून मिल रहा है, दिल को आनंद मिल रहा है, और नज़ारे देखिए आप, अभी अभी सारा क्लियर हो गया है, देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है पीछे। शॉप्स हैं यहाँ पे, पूजा के लिए सामान वगैरह ले सकते हैं आप लोग। बस यहाँ से हमें टर्न लेना है और अंदर मंदिर के दर्शन करेंगे सीधा चल के। अब ये भी छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे खा पी भी सकते हैं और प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। और सामने थोड़ा सा रह गया है, चुके हैं बाबा तुंगनाथ के पास, हमारे महादेव के पास। तो यहाँ चप्पल वगैरह उतारेंगे अब हम, और सामने एंट्रेंस है। गाइस ये है हमारे महादेव, यहाँ पे है हमारे महादेव, बाबा कुतुबनाथ का मंदिर इतना प्यारा है। गाइस हमने अंदर मत्था टेक लिया, अंदर अलाउड नहीं है फोटो, तब यहाँ से परिक्रमा करेंगे मंदिर के चारों तरफ, तो यहाँ से जा रहे हैं हम। चलिए आ जाओ, जैसे आ जाओ, यहाँ से अंदर जा रहे हैं आप, यहाँ से हम पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, यहाँ के सारी थकान मिट गई हमारी, इतना अच्छा है, मतलब दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए, मज़ा आ गया है, बस दिल को सुकून मिल गया बहुत ज़्यादा। बारिश भी शुरू हो गई है, तब हम नीचे की तरफ चलेंगे। ये देख लीजिए, ये है कुछ हमारे महादेव का स्थान। ओके फ्रेंड्स, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, अब हम वापस जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, करते आपको भी अच्छा लगा होगा, हमारे माध्यम से आपके भी दर्शन हो गए होंगे। बारिश बहुत तेज शुरू होगी, बस फटाफट नीचे जा रहे हैं, अभी एक घंटा करीब लगेगा नीचे उतरने में दोबारा से, क्योंकि चढ़ने में 2-3 घंटे लग गए हमें, उतरने में 1 घंटा तो लगेगा। पैरों की थोड़ा हालत ख़राब हो गई थी, बस यहाँ आगे थोड़ा सुकून मिला तो अब थोड़ा रिकवर कर गया, ऐसा लग रहा है ताकत आ गई दोबारा से। महादेव की शक्ति ऐसी है। ठीक है, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, करते वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन वेलकम माय फ्रेंड्स, बाय।